हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरी की पूरी जो अकाउंटेंसी है, स्पेशली राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी के सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, तो आज हम उसी सीरीज के अंदर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी कंसाइनमेंट के पूरे 9 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उनका अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से आप उनको देख लेते हो, तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो कि 8 मार्क्स का चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस, और इसके भी मैं आपको सभी पार्ट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा, फुल आपको रेशियो एनालिसिस में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। अब देखिएगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब चीजें याद हो जानी चाहिए। कंफर्म सी बात है। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि रटो आप, लेकिन आप उनको इतनी बार समझ लो कि आपको नेक्स्ट वीडियो तक जब आप इसके, अगर आज जो मैंने आपको चीजें बताई है आपको वो याद होती है, तो ही आप अपना ये नेक्स्ट वीडियो देखना। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो देखने का कोई भी सेंस नहीं रहेगा, आप अपना केवल और केवल टाइम ही वेस्ट करोगे। और कंफर्म सी बात है कि अगर जो मैंने आज चीजें बताई है वो अगर आप याद कर लोगे फिर नेक्स्ट वीडियो देखोगे, तो यह जो रेशियो एनालिसिस है ये आपको दुनिया में यहां से बेहतर कहीं पर भी समझ में नहीं आ सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। रेशियो एनालिसिस चैप्टर आप पढ़ सकते हो क्लास 12th की अकाउंटेंसी के लिए। जितने भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं, अगर आपके उनमें रेशियो एनालिसिस आ रहा है, तो आप वहां पर भी आप इसको रेफर कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। इस पूरे के पूरे वीडियो को आप देख सकते हो फॉर द सीबीएसई यूजीसी नेट। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई यूजीसी नेट के कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेशियो एनालिसिस बाय अभिषेक ओझा। मेरा नाम है अभिषेक ओझा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सभी का मैं लिंक नीचे अवेलेबल करवा दूंगा। आई हैव कम्प्लीटेड माई सी एस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स सी ए फाइनल LLB बैचलर इन लॉ MCOM कंप्लीट किया है मैंने अपना APST के अंदर, और CBSE UGC का जो नेट है वो भी मैं क्वालिफाइड कर चुका हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। देखिएगा रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच के अंदर क्या करना, कंपेयर करना। लेकिन आज की क्लास देखा जाए तो बेसिकली रेशियो से रिलेटेड है नहीं। आज मैं आपको कुछ एक कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी दूंगा, आपको इस एक्टिविटी को पूरा करना है। आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आओ तब आपको ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आपके आगे के वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपका रेशियो एनालिसिस पूरा का पूरा आपकी पॉकेट के अंदर होगा। रेशियो एनालिसिस 9 मार्क्स का आएगा राजस्थान बोर्ड की 12th की अकाउंटेंसी के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको लर्न करनी है बैलेंस शीट। यह बैलेंस शीट आपको मेरे अकॉर्डिंग लर्न करनी है। तो देखिएगा, आप अगर बैलेंस शीट देखते हो तो किसी भी बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है, लाइबिलिटीज और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड के अंदर जितने भी जो आइटम्स होते हैं उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम है SHF, शेयर होल्डर फंड। नाम आप देखिएगा, जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका यह आगे के वीडियो को समझने के लिए। इसको कहते हैं प्रोप्राइटरी फंड।
और नेटवर्थ, मतलब कि इक्विटी के ही चार नाम हैं। चाहे आप इक्विटी के दो, शेयर होल्डर फंड के दो, प्रोप्राइटर फंड के दो या नेटवर्थ के दीजिएगा। इसमें क्या क्या चीज आती है अभी हम थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो चीज आती है लायबिलिटी साइड के अंदर, वो आती है आपके लिए आपकी एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को आप डेट भी कह सकते हो, DEBT, नॉट डेप्ट, दैट्स डेट। आप इसको एक्सटर्नल इक्विटीज भी कह सकते हो, मतलब कि अब एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटीज के तीन नाम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज कह दीजिएगा आप, डेट कह दीजिएगा आप, और एक्सटर्नल इक्विटीज कह दीजिएगा आप। और जो थर्ड चीज आती है वो आती है करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड की अगर हम बात करते हैं तो एसेट साइड के अंदर दो एसेट्स आएगी। एसेट साइड के अंदर दो एसेट्स आएगी। सबसे पहला आएगा नॉन करंट एसेट्स और सेकंड आएगी आपके लिए करंट एसेट्स। आपको एज यूजुअल पता ही होगा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज बराबर होते हैं, मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो टोटल आएगी वो बराबर आएगी। तो देखिएगा हमने एक शॉर्ट के अंदर एक बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर कितने पार्ट्स आएंगे? तीन पार्ट्स आएंगे, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। इसके जो एडिशनल नाम है वो भी आप याद कीजिएगा। और एसेट्स के अंदर दो चीज आएगी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसके अंदर जो आइटम्स आएंगे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है देखिएगा, सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी के और नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको प्रोप्राइटरी फंड भी कह सकते हो। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। इसमें टोटल मिलाकर पांच चीजें शामिल होती है। सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले इसका एक बार मतलब समझ लीजिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ या प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है वो फंड जो कि इसके ओनर से रिलेटेड होता है, जो कि इसके शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये इसके इंटरनल सोर्सेज हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, वो इंटरनल, वो इनके जो री जो कैपिटल है वो भी आपका इंटरनल सोर्स माना जाता है। अगर आप बात करते हो कैपिटल क्या होता है, एक तरह की इनसाइडर लाइबिलिटी होती है। तो इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टोटल मिलाकर पांच चीजें आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इन पांच चीजों से मिलकर बनता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ या प्रोप्राइटर फंड। इसमें से आप लेस करते हो, इसमें से आप लेस करते हो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है किसी भी तरह की फिक्टीसियस एसेट्स। फिक्टीशियस एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स, हिंदी में बोले तो कृत्रिम संपत्तियां, ऐसी एसेट्स जिनकी रियल में कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कि अगर आप इनको मार्केट में बेचने जाओगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेज हैं या बड़े बड़े लॉसेज हैं जिनको कि आप एक साल से ज्यादा साल के अंदर क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो। नहीं समझ में आया सर, क्या कह के चले गए?
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये ऊपर वाला ही समझ में नहीं आ रहा था, फिक्टिशियस एसेट्स, आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लिख दिया, ये क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट। हाँ ये समझ में आया थोड़ा बहुत। अब देखिएगा, फोकस होना चाहिए आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी है उसने सोच रखा है कि हम क्या करेंगे, वर्ल्ड कप के अंदर खर्चा करेंगे अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा खासा खर्चा करेंगे, 3 करोड़ रुपए का वर्ल्ड कप का खर्चा करेंगे। और हमने एनालिसिस किया कि इस एडवर्टाइजमेंट का जो हमको बेनिफिट है वो आने वाले 3 सालों के अंदर मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप 3 सालों में होता है। हम हर एक वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि इसका जो इफेक्ट है लोगों तक वो 3 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, ये ऐसा हमने एनालिसिस किया। तो इस एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है हमको कितने सालों तक मिलेगा, 3 सालों तक मिलेगा। हमने कितने का एक्सपेंसेज किया है, 3 करोड़ रुपए का। तो सिंपल सी बात है, 3 सालों तक फायदा मिल रहा है 3 करोड़ रुपए का, तो हर एक साल कितने का फायदा मिलेगा, हर एक साल फायदा मिलेगा आपको 1 करोड़ रुपए का। तो आप 1 करोड़ तो कहाँ डालोगे, पीएनएल में डालोगे, और जो 2 करोड़ बच जाएगा उसको आप कहते हो फिक्टीशियस एसेट्स। इस फिक्टीशियस एसेट्स को या तो आप एसेट साइड में लिख सकते हो, या फिर आप इसको जो भी आपका कैपिटल शेयर होल्डर फंड नेटवर्थ या प्रोप्राइटर फंड होता है उसमें से आप लेस कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये आगे आने वाले खर्चे कुछ इसी तरह के हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो आता है वो है इश्यू एक्सपेंसेज। आपने किसी भी तरह के शेयर्स वगैरह इश्यू किए हैं और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज हैं, अगर आपने किसी भी तरह के शेयर्स वगैरह इश्यू किए और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज है, लाइक आपने डिस्काउंट दे दिया, मैंने फॉर एग्जांपल डिबेंचर इश्यू किए हैं और डिबेंचर इश्यू करने समय मैंने 1,000 डिबेंचर इश्यू किए और एक डिबेंचर के ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, टोटल 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। डिबेंचर मैंने इश्यू किए हैं 5 सालों तक, तो इस 1,000 रुपये का डिस्काउंट देने पर मेरे को 5 सालों तक रुपया मिला हुआ है, मतलब कि इस 1,000 रुपये का जो डिस्काउंट है उसका बेनिफिट मेरे को 5 सालों तक मिला हुआ है। तो हर एक साल कितना डिबेंचर्स का डिस्काउंट मैं पीएनएल में लिखूंगा, 200 रुपये, और जो 800 रुपये बच जाएगा पहले साल, दैट्स कॉल्ड फिक्टीसियस एसेट्स। कहा था ना, ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंसेस जिसका फायदा हमको एक से ज्यादा सालों के अंदर मिलता है, दैट्स कॉल्ड फिक्टीशियस एसेट। सर और एग्जाम्पल क्या है, आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल ही आएंगे, मतलब नहीं आएगा अभी आपके एग्जाम के अंदर रेशियो वाले चैप्टर में। तो नेक्स्ट देखिएगा और क्या क्या आता है इसके अंदर, एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड लॉसेज को एक और वर्ड लिख दिया जाता है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, का मतलब भी क्या होता है, लॉस। प्रॉफिट ऐड किया था तो लॉस लेस कर देंगे। और नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। ये क्या होते हैं सर, यह बिजनेस की स्टार्टिंग, बिजनेस अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ, इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है कंपनी, उसके पहले के जो एक्सपेंसेज होते हैं दैट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सर बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है और उसके पहले भी तो खूब सारे खर्चे हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं हम मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह पर, तो दैट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। का मतलब कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको उसका इनकॉर्पोरेशन पर हमने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया और हमने उसको फीस दी है। अभी तक कंपनी आई नहीं है फिर भी कंपनी के ऊपर खर्चा हो गया, दैट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर जो पहली हेडिंग स्टार्ट की थी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ, इसमें कितनी चीज आएगी, इसमें टोटल मिलाकर 5 चीज आएगी। पहली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
पीएनडल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें से क्या माइनस कर दी जाएगी? इसमें से माइनस कर दी जाएगी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है, एग्जांपल होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इश्यू एक्सपेंसेस, एक्युमुलेटेड लॉसेज एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। अब नेक्स्ट क्या हेडिंग है? नेक्स्ट हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को आप डेट भी कह सकते हो या फिर एक्सटर्नल इक्विटीज भी कह सकते हो। अब हम इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो हम आज अब सीखेंगे। पहले तो नॉन करंट लायबिलिटी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जिसको कि आपको पे करना है एक साल के बाद में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर इशू कर दिए हैं, 5 सालों के लिए, तो बताइएगा डिबेंचर्स को वापस पेमेंट कब करोगे? 5 साल के बाद में करोगे। तो आपने यह जो लोन लिया है ये 5 सालों के लिए लिया है, वापस पेमेंट 5 सालों के बाद में करना है। तो एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर नहीं करना है, आफ्टर 1 ईयर करना है, दैट्स कॉल्ड योर नॉन करंट लायबिलिटी। इसको डेट भी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी को आप डेट भी कह सकते हो और इसको आप एक्सटर्नल इक्विटीज भी कह सकते हो। सर इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है? इसमें शामिल है आपके टोटल मिलाकर 6 चीजें। सबसे पहला डेबेंचर्स, इसको बॉन्ड भी कहते हैं। इंडिया में डेवेंचर्स नाम ज्यादा प्रचलित है और विदेशों में बॉन्ड्स कह दिया जाता है इसको। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन का मतलब होता है आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, लाइक आपने अपने घर को गिरवी रखकर लोन लिया है, दैट्स कॉल्ड मॉर्गेज लोन। अगर आप किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप लोन देकर रखते हो, दैट्स कॉल्ड हाइपोथिकेशन और प्लेज। नेक्स्ट बैंक लोन, लंबे टाइम पीरियड के लिए लिया है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तरह से बैंक लोन ही है, ये भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लिया गया है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट जो होती है वो 6 to 36 months के लिए ली जाती है। नेक्स्ट किसी भी तरह का जहां पर भी आपको लॉन्ग टर्म दिख जाए तो वो हमेशा ही नॉन करंट लायबिलिटी है क्योंकि लंबे टाइम पीरियड के लिए है, और शॉर्ट टर्म दिख जाए तो वो हमेशा करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मतलब जो कि विद इन 1 ईयर आपको पे करनी होती है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी चीज शामिल होती है? पहले तो करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कैसी लायबिलिटी जो कि आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, दैट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे एक छोटे टाइम पीरियड के लिए लोन ले रखा है, 5-10 दिन के लिए लोन ले रखा है, वापस विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड योर करंट लायबिलिटी। अब देखिएगा किसी भी वर्ड के आगे अगर शॉर्ट टर्म लिखा गया तो वो हमारी करंट लायबिलिटी है, किसी भी वर्ड के आगे अगर मेच्योर्ड लिखा गया दैट्स कॉल्ड अवर करंट लायबिलिटी। तो देखिएगा करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। करंट लायबिलिटी के अंदर जो सबसे पहली जो चीज शामिल है दैट्स शॉर्ट टर्म, कहा था ना जिसके भी आगे शॉर्ट टर्म लिखा जाए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कौन कौन चीजें शामिल होती है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर शामिल होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, परपोज्ड डिविडेंड,
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। देखिएगा, टैक्स के लिए प्रोविजन करते हैं टैक्स, क्योंकि हर साल पे करना पड़ता है, तो इसके लिए किया जाने वाला प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए होगा। डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देते हैं तो भी उसको विद इन 30 डेज पे करना पड़ता है, मतलब कि अगेन शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, तो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है तो इसके लिए जो प्रोविजन बनाया गया दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एम्प्लॉयज बेनिफिट बोले तो हमने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देने के लिए, पीएफ वगैरह के लिए जो फंड बनाया है दैट्स कॉल्ड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय फंड, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन देखिएगा किस तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं आपके लिए लोन रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब कि आप मुझसे कुछ रुपया उधार लेकर गए और आपने मुझे कहा कि सर जब भी मांगोगे आप तब मैं आपको ये रुपया वापस रिटर्न कर दूंगा, मतलब कि लोन रीपे करूंगा मैं आपको जैसे ही आप डिमांड करोगे। तो क्या मैं आपसे डिमांड विद इन 1 ईयर कर सकता हूँ क्या? हाँ, विद इन 1 ईयर डिमांड कर सकता हूँ, विद इन 1 ईयर आपके ऊपर ये लाइबिलिटी आ सकती है, तो दैट्स कॉल्ड करंट लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी जब होता है वो भी आपको विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट, नेक्स्ट आता है लोन्स एंड एडवांसेस। इसको ध्यान से देखिएगा, लोन्स एंड एडवांसेज मैंने कहा है मतलब कि आपने किसी से लोन लिया है, पहले वाले वर्ड के ऊपर ध्यान देना, दूसरे वाले वर्ड पर ध्यान मत देना, लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। सर थर्ड चीज आपने क्या बताई थी, आपने कहा था कि किसी भी वर्ड के आगे क्या आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, दैट्स कॉल्ड योर करंट लायबिलिटी। जैसे कि करंट लायबिलिटी सॉरी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अब करंट मैच्योरिटीज आ चुकी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मैंने मतलब आपको बता रखा है डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सर ये समझ में नहीं आया, मैंने आपको कहा था कि डिबेंचर इश्यू किए गए हैं 5 सालों के लिए, मतलब पेमेंट 5 साल के बाद में, मतलब 5वें साल के एंड में करना पड़ेगा आपको, तो जब 5वें साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5वें साल के अंदर तो उसी साल पेमेंट करना पड़ेगा ना, माना कि पहले साल में तो 5वें साल के एंड में पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप 5th ईयर में चले जाओगे तो 5th ईयर में तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो 5th ईयर के लिए, 5th ईयर के लिए वो जो डिबेंचर्स है वो किस तरह की लायबिलिटी है, वो एक तरह से एक करंट लायबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर उन डिबेंचर्स के ऊपर उनको विद इन 1 ईयर उनका पेमेंट करना है, दैट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। मतलब कि मेच्योरिटीज का मतलब होता है वह साल जिस साल आपके डिबेंचर्स का या लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पेमेंट ड्यू हो जाता है, क्योंकि उस साल आपका पेमेंट ड्यू हो चुका है तो आपको वो पे करना पड़ेगा, उसी साल पे करना पड़ेगा, इस वजह से वो आपकी क्या हो जाती है करंट लायबिलिटीज। तो किसी भी वर्ड के आगे शॉर्ट टर्म दिख जाए या फिर मेच्योरिटीज दिख जाए दैट्स कॉल्ड योर करंट लायबिलिटी। सर और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर शामिल होती हैं होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर दो चीजें शामिल हैं। पहली जो चीज शामिल है ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर वो है सन्ड्री डेटर्स, सॉरी 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 सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स रिपेबल। क्रेडिटर जो बिल देते हैं दैट्स कॉल्ड, सॉरी क्रेडिटर्स को हम जो बिल देते हैं दैट्स कॉल्ड
बिल्स रिपेबल ये भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो बिल्स रिपेबल बीपी एंड क्रेडिटर मिलाकर बनते हैं आपके लिए ट्रेड क्रेडिटर्स। आई होप यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज के अंदर और कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? इसके अलावा करंट लायबिलिटीज के अंदर शामिल होती हैं कुछ अदर करंट लायबिलिटी। कौन कौन सी अदर करंट लायबिलिटीज हैं? जैसे कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरोइंग। आपका आपने किसी से लोन ले रखा है और उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने मुझे पहले ही फीस दे दी है पूरी, अब मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ाऊं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज आल्सो माय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, अनपेड डिविडेंड, जो भी डिविडेंड अनपेड होता है उसको भी आपको विद इन 30 डेज यानी विद इन 1 ईयर आपको पे करना होता है, दैट्स कॉल्ड योर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, मकान मालिक को बिल्डिंग का रेंट नहीं दिया तो विद इन 1 ईयर आपको उस आउटस्टैंडिंग रेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉल इन एडवांस, अगेन यह एडवांस इनकम की तरह ही है। जैसे कि कंपनी को शेयर्स के ऊपर एडवांस में कॉल मिल जाती है, दैट्स कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंट जिसके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं किया, दैट्स कॉल्ड अनक्लेम्ड डिविडेंट। नेक्स्ट, चलिएगा इतनी ही है। तो देखिएगा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो देखिएगा हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक बार वापस याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लायबिलिटी साइड के अंदर क्या होती है, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोपराइटर फंड, नेटवर्थ। खा लो, ठूस लो, गिट लो, निगल लो, हमारे सर कहते थे एक ही बात होती है, पेट के अंदर ही जा रहा है। उसी तरह से चाहे इक्विटी कह दो, शेयर होल्डर फंड कह दो, प्रोप्राइटरी फंड कह दो, या नेटवर्थ कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है? इसके अंदर 5 चीजें शामिल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पी एंड एल। सेकेंड आता है एनसीएल, डेट या एक्सटर्नल इक्विटीज। इसके अंदर कितनी चीजें हमने याद की है? इसके अंदर हमारे होती है टोटल मिलाकर 6 चीजें, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कह दो, मॉर्गेज लोन कह दो, बैंक लोन कह दो, लोन फ्रॉम बैंक कह दो, सॉरी लोन फ्रॉम फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह दो, पब्लिक डिपॉजिट्स कह दो जो कि 6 to 36 months के लिए इश्यू किए जाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जहां पर भी लॉन्ग टर्म दिख जाए दैट्स कॉल्ड एनसीएल। फिर हमने याद की थी करंट लाइबिलिटीज जो कि विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसके अंदर शॉर्ट टर्म दिख जाने पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या क्या आ रहे थे? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। ये तीनों ही आपके लिए क्या है? करंट लायबिलिटीज है। सर क्यों याद करवा रहे हो? कहा ना होमवर्क है, अगर विश्वास करते हो तो आप ये चीजें याद करना, और आफ्टर दैट ही हमारा जो सेकेंड वीडियो है वो आप देखना। नेक्स्ट बात आती है सर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में क्या आता है? लोन पेबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट्स, ओवरड्राफ्ट एंड लोन एंड एडवांसेज। सर ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स में 2 चीजें शामिल हो करती हैं, सबसे पहले सन्ट्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिपेबल। सर उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आती थी? सर अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जितना भी इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, इनकम रिसीव्ड एडवांस में हो चुकी है, डिविडेंड अनक्लेम्ड है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं, तो ये सब आपके लिए क्या है? आपके लिए ये सब के सब आपके लिए क्या है? करंट लाइबिलिटीज है सर। तो देखिएगा अगर इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं तो क्या जाती है हमारे पास? टोटल करंट लाइबिलिटी, और टोटल करंट लाइबिलिटी बराबर होती है टोटल एसेट्स के। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है। नॉन करंट एसेट्स एक ऐसी एसेट्स जो कि हम जनरली बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं,
या फिर कह सकते हो कि ऐसे एसेट्स जिनसे केस रियलाइज्ड 1 साल के बाद में होगा, विद इन 1 ईयर इनसे केस रियलाइज नहीं होने वाला है, दैट्स कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। यह दो तरह की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट्स एग्जाम्पल फर्नीचर, नीचे वाला फर्नीचर दिख रहा है, छू भी रहा हूं मैं उस फर्नीचर को। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। सर इंटेंजिबल के अंदर क्या जाता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ऐसी चीज, ऐसी एसेट जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हो आप। पेटेंट एंड गुडविल। इसके बाद में आती है सर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक ऐसी लाइबिलिटीज जो कि विद इन 1 ईयर, जो कि ऑलरेडी कन्वर्ट है केस में, इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जो कन्वर्ट है इनटू केस, जो पहले से केस में कन्वर्ट है, और केस में अगर कन्वर्ट नहीं है, कन्वर्ट इन केस, केस में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वो केस में कन्वर्ट हो जाएगी। सर क्या क्या है, जैसे कि इसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि सेल पर्पस के लिए ही खरीदा है, दैट्स कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कह दीजिएगा या फिर स्टॉक कह दीजिएगा। स्टॉक के अंदर तीनों तरह का स्टॉक शामिल है, रॉ मेटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में अगेन दो चीजें शामिल होती हैं। पहला आता है आपके लिए डेटर्स। डेटर्स में से माइनस होता है प्रोविजन फॉर डेटर। और सेकंड जो चीज शामिल होती है वो होती है आपके लिए बिल रिसीवेबल। डेटर से जो रिसीव होता है दैट्स कॉल्ड बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल और डेटर्स दोनों को मिलाकर होती है ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल इज योर, अरे क्या लिख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल इज योर करंट एसेट्स, सॉरी फ्रेंड, करंट एसेट्स है ये। नेक्स्ट देखिएगा और क्या क्या चीजें शामिल होती है करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स के अंदर और आता है केस एंड केस इक्विवेलेंट। कहा था ना जो ऑलरेडी केस में कन्वर्ट है या केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केस एंड केस इक्विवेलेंट। सर इसमें क्या शामिल होता है, इसमें केस इन हैंड आपके हाथों में जितना केस है, केस एट बैंक जितना आपके बैंक में केस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो कि मार्केट में बिक सकती है हाथों हाथ, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके अलावा जितने भी ड्राफ्ट होते हैं, चेक्स होते हैं, वो भी इसमें शामिल है। सर और क्या क्या शामिल है करंट एसेट्स के अंदर, और करंट एसेट्स के अंदर शामिल है अगर आपने कहीं पर एडवांस में कोई एक्सपेंसेज कर दिया है, एडवांस एक्सपेंसेज। एडवांस एक्सपेंसेज का एग्जांपल है प्रीपेड टैक्स, पहले ही टैक्स पे कर दिया, तो आपके लिए कौन सी है करंट एसेट्स। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर और क्या क्या शामिल होता है। इसके अंदर नेक्स्ट शामिल है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम जो कि आपने कमा तो ली है, एक्रूड का मतलब जन्म तो हो गया है उसका, बर्थ तो हो गया है उसका,
मतलब जो कि अर्न तो कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो वो आपके लिए क्या है? करंट एसेट्स है। इसके अलावा और क्या शामिल होता है? इसके अंदर शामिल होता है शॉर्ट टर्म एडवांसेज एंड लोन। तो देखिएगा, वहां पर हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। हमेशा पहले वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लोन इज योर लाइबिलिटी। एडवांस दिया है आपने किसी को, आपने किसी को एडवांस दिया है छोटे से टाइम पीरियड के लिए, तो ये आपके लिए क्या होती है? करंट एसेट्स। तो देखिएगा, ये भी करंट एसेट्स की जो लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है। तो आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, तो मैंने आपको टोटल 5 चीजें लर्न करने के लिए बोली है कि सबसे पहले इक्विटी के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा और करंट एसेट्स में क्या आएगा। सभी चीजें आपको लिखा दी गई, समझा दी गई, ये सब चीजें याद करना और उसके बाद ही अगला वीडियो आप देखना। इसके अलावा एक दो पॉइंट में आपको और बता देना चाहता हूं। सबसे पहले टोटल एसेट्स बराबर क्या होती है? टोटल एसेट्स बराबर होती है टोटल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहूं केवल और केवल डेट, तो केवल और केवल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर मैं कहता हूं टोटल डेट, तो टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, मतलब बड़े टाइम पीरियड का लोन और छोटे टाइम पीरियड का लोन दोनों ही इसके अंदर शामिल होगा। तो आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। अगेन रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, ऑर्डर मान लीजिएगा, आपको अगर ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर समझना है मेरे से, तो आपको ये जो चीजें आज लर्न कराई है वो एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट्स के अंदर।